गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 इंटीजर्स। तो सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द नंबर लाइन, सपोज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7। These are all called natural number. इनको क्या बोलते हैं बेटा? Natural number. और हम इनमें जीरो भी इंक्लूड करते हैं, then these are called whole numbers. Now integers क्या है कि जब हम कोई चीज उसके opposite direction में भी चल पड़े, जैसे हमने कहा 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब ये 1, 2, 3 क्या जीरो के राइट में है, कहां पे है? राइट में। अगर मैं यही नंबर लेफ्ट में भी ले लू, ये नंबर क्या करूं मैं लेफ्ट में भी ले लू, अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है, दिस इज लेफ्ट। तो ये राइट और लेफ्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया है, इंटीजर्स बनाए। तो ये लेफ्ट को डी इंडिकेट करने के लिए हमें माइनस लगाए, -1, -2, -3 और ऐसे चलते रहेंगे, -4, -5, -5 जितने मर्जी इंफिनिटी तक। ऐसे यहां भी हम आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं 4, 5, 6 अप टू सो। तो राइट और लेफ्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इंटीजर्स बनाए हैं, क्लियर। तो ये जो पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, These are called integers. मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं आपको कि इंटीजर्स बने क्यों। कि सपोज करो ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट, इसको जीरो मान लेते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो रेस लगाता है और वो सपोज करो 1, 2, 3, 4 किलोमीटर राइट को रेस लगाता है, 4 किलोमीटर राइट को रेस लगाता है, ये राइट साइड को दौड़ो। और दूसरा स्टूडेंट वो 4 किलोमीटर लेफ्ट साइड को दौड़ गया, क्लियर। तो दोनों ने इक्वल मैग्नीट्यूड की रेस लगाई, दोनों ने सेम अमाउंट, ये भी 4 किलोमीटर रेस लगाई, इसने 4 किलोमीटर की रेस लगाई। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उसने तो राइट साइड को गया वो और ये लेफ्ट साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यहां पर क्या लगा देंगे? माइनस साइन। सिर्फ ये माइनस साइन का यहां पर क्या मतलब है? ये सिर्फ आपकी डायरेक्शन शो कर रहा है, लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड और दिस इज राइट साइड। और यही नंबर जो कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इनमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा, बस नेचुरल नंबर के साथ अगर हम क्या लगा दें? नेगेटिव साइन। और यही केस बेटा ऊपर नीचे भी हो सकता है, हम इसको अपर भी ले सकते हैं। ये अगर कोई ऊपर को जाता है अबव, ये पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हम नीचे को जाएंगे तो ये क्या लेते हैं हम? नेगेटिव लेते हैं, बिलो। अबव के लिए पॉजिटिव, बिलो के लिए नेगेटिव, तो इनको इंटीजर्स बोलते हैं। ऑल द पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोलते ज्यादा बेटर रहेगा, ऑल द पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, इनको हम इंटीजर्स बोलेंगे। तो इन ये जो नेगेटिव नंबर का मेन पर्पज जो है बेटा वो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को शो करना होता है। जो नंबर लेफ्ट में है वो नेगेटिव और जो नंबर राइट में है वो पॉजिटिव। इसी तरह जो नंबर ऊपर है अबव पॉजिटिव, जीरो से अबव, और ज्यादा अच्छा बोलेंगे तो जीरो से अबव वो पॉजिटिव, जीरो से बिलो वो नेगेटिव। तो ये हुए आपके इंटीजर्स। एक बार और मैं बता दूं तो इंटीजर्स क्या हुए बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, एंडलेस। ये नहीं कि 6 तक ही है, एंडलेस नंबर है, 6 के बाद एंडलेस।
और ऐसे जीरो से लेफ्ट साइड में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन एंडलेस, लेफ्ट साइड भी एंडलेस राइट साइड भी एंडलेस इंक्लूडिंग जीरो, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर। इंटीजर से अर्निंग, अर्निंग रुपीज 500, इसको हमने जो है इंटीजर से शो कर। अर्निंग मीन वी आर गेटिंग समथिंग। बेटा जो गेटिंग है ना, जो इन उसको हम कोई चीज हमारे पास आ रही है उसको हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे 5 + 500 + 500। जो अर्न, अर्न मीन्स वी आर गेटिंग समथिंग, तो इसको इंटीजर से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करें, प्लस 500। अगर हम यही होता लूजिंग 500 देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस 500। अब जैसे अगला है लॉस ऑफ रुपीज 90, लॉस ऑफ रुपीज 90, यू आर लूजिंग समथिंग, यू आर लूजिंग समथिंग, तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस 90। इंटीजर से रिप्रेजेंट करना हमें, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज माइनस 90। क्लाइंबिंग अप टू 10 स्टेप्स, क्लाइंबिंग अप, आप ऊपर को जा रहे हो, ठीक है, जब आप कहीं भी राइज करोगे वो भी हमेशा प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लाइंबिंग अप 10 स्टेप्स, तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज प्लस 10। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ रुपीज 500 फ्रॉम द बैंक। बैंक से आप 500 रुपीज विड्रॉ कर रहे हो, तो इसका मतलब माइनस 500, बैंक से आप माइनस 500 विड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो। अगला 5 मीटर अबव सी लेवल, 5 मीटर अबव सी लेवल। क्लियर? E is 5 मीटर अबव सी लेवल, अबव सी लेवल के लिए क्या आएगा, प्लस 5। 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ का देखो बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैंने आपको बताया था अबव वाला हमें क्या लेना है आपने, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये क्या होता है, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो नॉर्थ की डायरेक्शन को हम क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो प्लस 3। 10 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो से बिलो, जीरो से बिलो मैंने कहा था आपको नेगेटिव आएगा, तो माइनस 10। एन इंक्रीज ऑफ 25 मार्क्स, इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी प्लस 25, ये प्लस 25। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, राइट द अपोजिट ऑफ, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। डिपॉजिटिंग रुपीज 1000 इन ए बैंक, डिपॉजिट का उल्टा क्या हुआ, विदड्रॉइंग रुपीज 1000 इन ए बैंक। नेक्स्ट है डिक्रीज ऑफ 5 मार्क्स, डिक्रीज ऑफ 5 मार्क्स मीन्स इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स, डिक्रीज का उल्टा क्या हुआ, इंक्रीज। अर्निंग रुपीज 200 मीन्स स्पेंडिंग रुपीज 200, आपने अर्न किए तो अर्न का उल्टा क्या हुआ, स्पेंड करना। गोइंग 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट का उल्टा क्या हो, वेस्ट, ईस्ट का उल्टा क्या हो गया, वेस्ट। गोइंग 2 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, 2 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन ए नंबर लाइन, तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट। 2 स्टेप टू द राइट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। लूजिंग वेट ऑफ 7 kg, लूजिंग का उल्टा क्या हो, गेनिंग वेट ऑफ 7 kg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसर्कल द नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर, तो बड़ा इजी हो गया, जिसमें माइनस साइन लगा हुआ है वो आपके नेगेटिव इंटीजर। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 1। नाउ बेटा मैं आपको एक चीज बताना जा रहा हूं कि सीबीएसई ने साल 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया है, ठीक है, तो हम भी आपका कुछ सिलेबस शायद रिड्यूस करेंगे, तो मैं सोच रहा हूं कि हम आपके ब्रेन टीजर और ये हॉट्स वाले क्वेश्चन शायद रिड्यूस करें या कोई टॉपिक रिड्यूस करेंगे, तो लेटर ऑन हम आपको बताते रहेंगे। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, आपका अभी एग्जाम होने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आज से एग्जाम शुरू है आपके 4th से, तो जो मैथ्स का एग्जाम है जो मैंने बनाया है वो आपका 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का जो है पेपर है आपका, और 25 मार्क्स में जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं, मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप है, तो जो भी क्वेश्चन होंगे आपके वन वर्ड आंसर होंगे, कोई इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपको बड़े बड़े सॉल्यूशन करने हैं।
आप रफ नोटबुक यूज कर सकते हो, रफ नोटबुक में जो है आप सॉल्व कर लीजिए जो भी आपने करना है, लेकिन आंसर आप वन वर्ड आप देंगे सिर्फ वहां पे, जो भी एक सिंगल आंसर आपका होगा वहां पे, जो ऑनलाइन आप टेस्ट दोगे उसमें आपने सिंगल आंसर देना है, आप रफ में काम कर सकते हैं। और सेकंड बात सिलेबस की, ये वाला सिलेबस नहीं आएगा, जो सिलेबस हमने आपको छुट्टियों से पहले पढ़ाया था वही सिलेबस आपका एग्जाम में आएगा। और अगर कोई टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया तो वो नहीं आएगा एग्जाम में, कोई टॉपिक अगर आपका छूटा हुआ है तो वो एग्जाम में नहीं आएगा, जो हमने आपको पढ़ाया है वही सिर्फ एग्जाम में आएगा 25 मार्क्स का, और 25 मिनट्स आपको दिए हैं। तो इस तरीके से आपने तैयारी करनी है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ने ये टॉपिक नहीं कराया, बाय चांस कोई टॉपिक नहीं कराया तो उससे नहीं आएगा, जो आपको पढ़ाया वही आएगा, उस तरीके से आपने तैयारी करनी है। ओके, थैंक यू।